नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी और मेरी पसंदीदा चाय के बारे में, क्योंकि 90% से ज्यादा भारतीय सुबह खाली पेट चाय का सेवन करते हैं। और रिसर्च तो ये बताती है कि सुबह खाली पेट चाय पीना किसी भी लिहाज से शरीर के हित में नहीं है। इसके बहुत से ऐसे नुकसान है जो समय के साथ साथ इंसान को भुगतने पड़ते हैं। चाय में कैफीन, एल-थाइनिन और थियोफाइलिन नामक तत्व पाए जाते हैं, जो कि शरीर में उत्तेजना को बढ़ावा देते हैं। चाय विभिन्न प्रकार की होती है, लेकिन खाली पेट सभी चाय नुकसान पहुंचाती है। काली चाय में जब दूध मिलाकर पिया जाता है तो उसका एंटीऑक्सीडेंट नष्ट हो जाता है और वो नुकसानदायक हो जाती है। ऐसा नहीं है कि चाय से सिर्फ हानि ही होती है, क्योंकि चाय में जो कैफीन और टैनिन होते हैं वो शरीर में ऊर्जा का संचार करते हैं, जिससे शरीर क्रियाशील होता है और आलस दूर होता है। लेकिन इसकी मात्रा में अति और खाली पेट सेवन करने की आदत आपको कई गंभीर बीमारियां दे सकती है। तो खाली पेट चाय पीने के नुकसान की अगर बात करें तो पहला ये है कि सुबह के वक्त पेट पूरी तरह से खाली होता है, और ऐसे में अगर चाय का सेवन किया जाता है तो पेट के बाइल जूस की प्रक्रिया पर विपरीत असर पड़ता है, जिससे उल्टी और घबराहट जैसी समस्या होने लगती है। दूसरा ऐसा है कि चाय में अधिक मात्रा में टैनिन होता है, जो कि पेट के एसिड को बढ़ावा देता है, जिससे एसिडिटी होती है और पाचक रस पर प्रभाव डालती है। इससे पेट फूलने जैसी समस्या हो सकती है। खाली पेट अधिक गर्म और अदरक की चाय पीने से भी एसिडिटी की समस्या हो सकती है। नंबर 3 पर है कि अधिकांश लोग सुबह खाली पेट दूध वाली चाय पीना बहुत पसंद करते हैं। क्या करें, अच्छी भी लगती है, लेकिन इससे शरीर में प्रोटीन और अन्य दूसरे पोषक पदार्थों का अवशोषण अच्छे से नहीं हो पाता, जिससे शरीर प्रभावित होने लगता है और पोषक तत्वों का अभाव होने लगता है। तो अगर आप नाश्ते के बाद चाय का सेवन करते हैं तो ये आपको काफी तरोताजा फील करवाती है। नंबर 4 पे है कि रिसर्च ये कहती है कि नियमित तौर पर सुबह खाली पेट चाय पीने से पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर जैसी बीमारी की संभावना बढ़ जाती है, और ये समस्या अधिक चाय के सेवन से भी हो सकती है। नंबर 5 पर है, सुबह खाली पेट कड़क चाय की आदत से अल्सर जैसी समस्या से आपको सामना करना पड़ सकता है। सुबह खाली पेट चाय की आदत से पेट और श्वास नली में जलन की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। नंबर 6 पर है, पाचन तंत्र का कमजोर होना। इस समस्या का सबसे मुख्य कारण है खाली पेट ज्यादा गर्म चाय का पीना। हालांकि ये समस्या नियमित खाली पेट चाय पीने पर आती है, कभी कभार पीने से नहीं। और नंबर 7 पर है कि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अधिक गर्म चाय के सेवन से खाने की नली में या गले में कैंसर होने का खतरा 8 गुना तक बढ़ जाता है, क्योंकि अधिक गर्म चाय गले के टिश्यू को नुकसान पहुंचाती है। तो अगर चाय पीना आपका शौक है और आप इसके बिना नहीं रह सकते, तो सुबह चाय के साथ बिस्किट या कोई नमकीन ले लीजिए। अगर आप दिन में चाय पीना चाहते हैं और आप कई घंटों से भूखे हैं, तो चाय के साथ कुछ ना कुछ हल्का जरूर लें। इससे आपकी भूख भी शांत होगी और आपको गैस की समस्या भी नहीं होगी। तो अगर संभव हो तो बिना दूध की चाय का सेवन करें, क्योंकि यह सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। इसी के साथ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको लगातार मिलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।